नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युग चरण। आइए जानते हैं 27 जून की ताजा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए, साथ ही डेली अपडेट के लिए युग चरण चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की पहली खबर है कि गलत तरीके से सिम खरीदी तो 50 लाख जुर्माना। देश में 26 जून से नया टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 लागू हो गया है। अब भारत का कोई भी नागरिक जिंदगी भर 9 से ज्यादा सिम कार्ड नहीं ले सकेगा। अगर इससे ज्यादा सिम खरीदता है तो जुर्माना लगेगा। गलत तरीकों से सिम लेने पर 3 साल जेल और 50 लाख तक का जुर्माना लगेगा। केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई रिमांड। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट ने 3 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया है। कोर्ट ने उन्हें इजाजत दी है कि वे रोजाना अपनी पत्नी से और 30 मिनट अपने वकील से मिल सकेंगे। इसके साथ उन्हें अपनी दवाएं रख सकेंगे और उनके लिए घर का खाना आ सकेगा। बुधवार सुबह सीबीआई ने शराब नीति केस में भ्रष्टाचार के आरोप में केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। 9 लाख परिवारों को अब घर बैठे राशन। राजस्थान की भजनलाल सरकार अगले महीने से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के कुछ चयनित परिवारों को घर बैठे राशन उपलब्ध करवाएगी। सरकार ने अपने पहले बजट में इसको लेकर घोषणा की थी, जिसकी पालना में ये शुरुआत की जा रही है। इस योजना के तहत उन परिवारों को घर बैठे राशन उपलब्ध करवाया जाएगा जिनके परिवार में 18 वर्ष से कम और 60 साल से अधिक आयु के सीनियर सिटीजन या विशेष योग्यजन हैं। ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा स्पीकर बने। ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर चुने गए। बुधवार 26 जून को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने स्पीकर के चुनाव की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत एनडीए के नेताओं ने समर्थन किया। सदन में ध्वनिमत से बिरला के नाम का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद पीएम मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी उन्हें चेयर तक छोड़ने आए। जयपुर में दुकान रेस्टोरेंट मैरिज गार्डन के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। जयपुर विकास प्राधिकरण आज से मानसरोवर क्षेत्र में 600 से ज्यादा अवैध निर्माण तोड़ेगा। इनमें ज्यादातर दुकानें हैं। किसी भी विरोध की संभावना को देखते हुए मौके पर सैकड़ों की संख्या में पुलिस वाले भी मौजूद हैं। कार्रवाई की शुरुआत मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से हुई है। हालांकि लगभग 100 अतिक्रमियों ने अपने स्तर पर ही अवैध निर्माण हटाना शुरू कर दिया है। बीते कई दिनों से अतिक्रमण की कार्रवाई रोकने की भी मांग की जा रही है। स्थानीय व्यापारी कई दिनों से दिन में 3 घंटे तक बाजार बंद रखकर भी विरोध जता रहे हैं। कार्रवाई रोकने के लिए मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्रियों तक से मुलाकात की गई है, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिल पाई। भरतपुर में 450 साल पुराने मंदिर में अवैध निर्माण तोड़ा। भरतपुर के कुम्हेर गेट स्थित जवाहर वीर बाबा के मंदिर परिसर में अवैध निर्माण को प्रशासन ने तोड़ा। इस दौरान वहां काफी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। मौके पर इकट्ठे हुए लोगों ने बताया कि यह मंदिर करीब 450 साल पुराना है, जिसकी दीवार प्रशासन ने गिरा दी। मंदिर सड़क से नीचे चला गया था, इसलिए उसके जीर्णोद्धार का काम करवाया जा रहा था। इस कार्रवाई से नाराज लोगों ने कुम्हेर गेट रोड पर चारों तरफ से जाम लगा दिया। जयपुर पुलिस ने क्रिकेटर ट्रेविस हेल को बनाया अपराधी। T20 वर्ल्ड कप में सोमवार को हुए मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। इधर ऑस्ट्रेलिया टीम की इस हार को लेकर जयपुर पुलिस के एक विवादित पोस्ट से हंगामा मच गया। इस पोस्ट में जयपुर पुलिस ने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ट्रेविस हेड को एक अपराधी की तरह बताया, जबकि टीम के इंडिया के खिलाड़ियों का पुलिस की वर्दी में फोटो शेयर करते हुए लिखा, 19 नवंबर से तलाश रहे थे। हालांकि जयपुर पुलिस इस पोस्ट को लेकर ट्रोल होने लगी तो 2 घंटे में ही इसे हटा दिया गया। राजस्थान में मानसून की जबरदस्त एंट्री, कल से 3 दिन तक होगी भारी बारिश, IMD का अलर्ट। प्रदेश में सही समय पर मानसून की एंट्री हो गई है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार अगले 4 दिन में मानसून पूरे राज्य के जिलों को कवर करेगा।
राजधानी जयपुर में मानसून 27 जून को दस्तक दे सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने आज राजस्थान के सभी 33 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 27 जून को बीकानेर और गंगानगर जिलों को छोड़कर शेष सभी जिलों में बारिश के आसार हैं। 27 जून को 12 झालावाड़ के एरिया में पानी गिरने की संभावना है। 28 जून को 12 झालावाड़, कोटा और बूंदी में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। जोधपुर, बाड़मेर, जालोर और जैसलमेर जिलों को छोड़कर शेष जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। 29 जून को पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, दौसा, करौली और अलवर जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। राजस्थान के किसानों को मिली डबल किसान सम्मान निधि। नरेंद्र मोदी ने गत सप्ताह पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जारी की। इस दौरान प्रदेश में अपेक्स बैंक राजस्थान राज्य सहकारी बैंक में गफलत हो गई। बैंक ने अपने खाता धारक करीब 70,000 किसानों को डबल भुगतान कर दिया। एक ही दिन में 2,000 की दो किस्त उनके खातों में जमा करा दी। बैंक प्रशासन ने मामले का हल निकालने की बजाय उसे दबाने का प्रयास किया। यहां तक कि सरकार को भी इसकी जानकारी नहीं दी। अब सरकार को इस गड़बड़ी की भनक लगी तो अपेक्स बैंक से रिपोर्ट मांगी गई है। सोना 230 रुपए गिरकर 72,000 रुपए पर आया। सोने चांदी की कीमतों में आज गिरावट है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 230 रुपए गिरकर 72,000 रुपए पर आ गया है। कल इसके दाम 72,230 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। वहीं 1 किलो चांदी 1,000 रुपए गिरकर 90,000 रुपए में बिक रही है। अजमेर में नगर निगम ने ध्वस्त की 10 दुकानें। अजमेर में नगर निगम की ओर से अवैध निर्माण पर कार्रवाई जारी है। धोला भाटा क्षेत्र में 10 अवैध दुकानें ध्वस्त की गईं। इस दौरान निगम के अफसर व पुलिस का जाप्ता मौजूद रहा। यहां नक्शे के मुताबिक यहां चबूतरा था और इन दुकानों का निर्माण कर लिया। इसके बाद निगम ने नोटिस देकर सुनवाई की और अब कार्रवाई की गई। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और ताज़ा खबरें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखे साथ।